सो ही गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज के एक और न्यू वीडियो आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मिनी मिलेशिया के अंदर जोकर आउटफिट कैसे ले सकते हो और मैंने कैसे लिया, आप लोग कैसे ले सकते हो। तो गाइस अगर आप लोग को अपनी जोकर आउटफिट चाहिए अपने मिनी मिलेशिया के अंदर तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और गाइस अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग सिंपल में उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइज अगर इस वाली आईडी की बात करूँ जिससे मैं खेलता हूँ तो अभी तक इसके अंदर मेरी जोकर आउटफिट नहीं खुली है, बट जो मेरी सेकंड आईडी है उसके अंदर जैसी मैंने जो है ना अपनी क्रिएट ओपन करी थी तो मुझे जो है जोकर आउटफिट मिल गई थी। तो गाइज मैंने ऐसा क्या करा था जो मुझे जोकर आउटफिट मिल गई और जो है मुझे अभी तक इसके अंदर जोकर आउटफिट नहीं मिली है। भाई लक होता है जिसे मिल जाती है, बट गाइज इसमें भी मैं वाली ट्रिक यूज़ करता रहता हूँ। आप लोग देखते हो कि मैं नई नई आउटफिट डालता रहता हूँ। तो गाइज अभी तक तो जोकर आउटफिट का लक लगा नहीं है, बट जो है हमारी जो है बहुत रेयर आउटफिट भी खुली है इसके अंदर। जैसे कि देख तो असॉल्ट आर्मर आउटफिट भी इसके अंदर ओपन हुई है और अभी एक दो दिन पहले ही मेरी स्नो आउटफिट भी ओपन हुई। तो गाइस अभी तक तो मेरा ये वाला लक लगा नहीं है कि जोकर आउटफिट कैसे ओपन हो, बट अभी मैंने जो है ना असॉल्ट आर्मर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर जो मैंने बताया था उसकी वजह से भी एक बंदे की जोकर आउटफिट ओपन हुई थी। बट आप लोग जो है ना इस ट्रिक को देखना, आपकी जोकर आउटफिट भी ओपन होगी और साथ साथ जितनी भी आउटफिट है वो सारी ओपन होंगी। बट आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि अभी भी मैं गेम प्ले कर रहा हूँ और इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं असॉल्ट आर्मर आउटफिट से खेल रहा हूँ, बट ये मेरी ओपन कैसे हुई आप लोग को मैंने जो है ना इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख रखा है, आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग जो है ना चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप लोग चैनल पर क्लिक करके देख सकते हो, वहीं पर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और जो है ना मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रख रखी है, आप लोग इस पर जाके आराम से वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस अगर बात करी जाए स्नो आउटफिट की भी तो वो भी आप लोग जो है ना ऐसे करके ओपन कर सकते हो। और अब बात करी जाए हमारी जोकर आउटफिट की, तो गाइस वो कैसे आप लोग ओपन कर सकते हो कि जैसे कि देख सकते हो मेरी अभी इसके अंदर जो है 19 या 20 लेवल है, ये जो मेरी सेकंड आईडी इसके अंदर देख सकते हो मेरी जोकर आउटफिट ओपन हुई हुई है। तो आप लोगों को कैसे करनी है, तो गाइस ट्रिक की बात करी जाए तो मैंने जो है ये जो सेकंड आईडी मैंने इसके अंदर अपनी जोकर आउटफिट कैसे ओपन कर ली, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिंपल मैंने जो ना मैंने एक मैच लगाया और मैच लगाने के बाद जो ना मुझे जो ना स्टैंडर्ड क्रिएट मिली थी या फिर जो है स्पेशल क्रिएट मिली थी या इलाइट क्रिएट, बट जो है ना मुझे जहाँ तक ध्यान है मुझे मिली थी स्टैंडर्ड क्रिएट। और मैंने जो है ना सबसे पहले जो है ना उससे जो है ना उसके अंदर से जो है ना 3 घंटे कम करे थे, यानी कि अगर जैसे मैंने एक मैच जीता था और मैच विन होने के बाद इसके बाद जो है ना मेरे को 3 घंटे मैंने जो ना क्रिएट ओपन करी और जो है ना वहाँ से जो है ना 2 घंटे कम कर दिए वीडियो देखकर, और 1 घंटे तक मैंने इंतजार किया। और इंतजार करने के बाद गाइस मैंने जो है ना उसके बॉक्स जो है ना एकदम जल्दी से ओपन नहीं करा। अब मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को क्या करना है सिंपल में। तो गाइस जैसे ही आप लोग जो है ना अपने गेम प्ले कर लेते हो और इसके बाद आप लोगों को क्रिएट मिलेगी, सिंपल में आप लोगों को क्या करना है उस क्रिएट को जो है ना सबसे पहले उसके जो है ना वीडियो देख कर घंटे कम कर देना है। इसके बाद जब आप लोगों को 1 घंटा मिलता है बस आखिरी उसका इंतजार करना है आप लोगों को सिंपल में। इंतजार करने के बाद अब 1 घंटा जैसे ही खत्म हो जाता है वहां पर लिखा जाता है ओपन, आप लोगों को क्या करना है सिंपल में जो है ना एक बार ओपन पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड की रेट है तो 3 आप लोगों को कार्ड मिलते हैं, तो सिंपल में आप लोगों को एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो है ना एक कार्ड निकल जाएगा, इसके बाद सेकंड कार्ड निकल जाएगा, आप लोगों को जो है ना थर्ड कार्ड पे जो है ना क्लिक नहीं करना है। तो गाइज आप लोग जो है ना थर्ड कार्ड पे क्लिक नहीं करते हो तो वो जो है ना ऑटोमेटिक ओपन होगा। अगर नहीं होता है, मान लो अगर नहीं होता है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है, अगर वो ओपन नहीं होता ऑटोमेटिक तो आप लोग सिंपल में क्लिक कर सकते हो। बट गाइज मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है ना उस पर क्लिक नहीं करा था, मैंने ऑटोमेटिक ओपन होने दिया था, अगर नहीं होता आप लोग सिंपल में क्लिक कर सकते हो। तो गाइज आप लोग को पता होगा कि जो हमारा थर्ड कार्ड होता है उसके अंदर जो है ना आउटफिट जरूर मिलती है, तो गाइज इस ट्रिक को फॉलो करो, आप लोग को जरूर से आउटफिट मिलेगी। तो गाइज जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग को जो है ना एक गेम खेलना है और गेम खेलने के बाद आप लोग जो है ना वहाँ पर से आप लोग को एक क्रेट मिलेगी और क्रेट मिलने के बाद आप लोग को जो है ना जो आप लोग थर्ड कार्ड जो ओपन करो यानी कि सबसे लास्ट कार्ड जो ओपन करो ना उसे जो है ना ऑटोमेटिक ओपन होने देना, या फिर जो है ना आप लोग अगर नहीं होता है तो सिंपल में क्लिक कर सकते हो। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और गाइज अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा है कि आप लोग सिंपल में क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, गुड बाय।